करेंगे मौसम की। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए हैं, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। तो राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक से तेज धूप थी लेकिन अब बादल छा गए, धूप अब नहीं है और तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिजली यहां पर चमक रही है, बादल भी गरज रहे हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है, लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है यहां पर। अधिक जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा से। आकर्ष, क्या कुछ जानकारी है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है इस बदले हुए मौसम को लेकर? मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था, 2 से 3 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश दर्ज की जा सकती है। उसका मुख्य कारण यही था कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण मध्य प्रदेश में नमी आ रही थी। उसके बाद जो राजस्थान है जिसके कारण मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक गर्मी पड़ती है और राजस्थान में हवा का जो पैटर्न है वो बदल गया था। इसके बाद ही मौसम विभाग ने अनुमान जता दिया था कि पूर्वी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनमें हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उसमें जौलपुर हो, मंडला हो, छिंदवाड़ा हो, सिवनी हो, उसके बाद यदि भोपाल समेत अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ पर बारिश बादल छा सकते हैं लेकिन तेज बारिश नहीं हो सकती। हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है लेकिन पूर्वी जो मध्य प्रदेश है उसमें इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये मौसम बदला है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते, इसमें थोड़ी गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिलेगी लेकिन ये किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है क्योंकि उनकी जो खड़ी फसलें हैं वो अभी कटने पर हैं। ऐसे में यदि बारिश होती है तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस तरीके का मौसम ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, 24 से 48 घंटे तक ही इसी तरीके का मौसम रहेगा और उसके बाद फिर से एक बार गर्म जो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सुमित, ठीक है आकर्ष, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौसम विभाग ने पहले से ही इसका अंदेशा दे दिया था, मौसम विभाग को अंदेशा था कि एक दो दिन में प्रदेश का मौसम बदलेगा। जैसे कि राजधानी भोपाल में हम देख रहे हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश की संभावना है, हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, बादल छा गए हैं और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि एक दो दिन तक ऐसे ही मौसम हमें देखने को मिलेगा कि हल्की बूंदाबांदी कई जिलों में हो सकती है मध्य प्रदेश के।